हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ठीक है, तुम लोग लगातार वीडियो देख रहा होगा और अभी डिफरेंट इंटीग्रेशंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशंस का बहुत सारा टर्म्स तुमको बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी तुमको लास्ट लेक्चर्स में बताए थे। अब उसमें जो थोड़े और भी क्वेश्चंस है, और भी प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इन्वर्स फंक्शंस के टर्म्स में आता है। इन्वर्स फंक्शंस में क्या है, जैसे कि y बराबर एफ एक्स है और उसका इन्वर्स है, और उसमें हमको अगर कोई इंटीग्रेशंस का टर्म्स इस तरह से दिखा हुआ हो। ठीक है, कि सपोज करो कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन a से b के बीच में, ठीक है, dx, और प्लस हमें f इन्वर्स ऑफ x का भी वहाँ पर टर्म्स हो और f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा हो। ये फंक्शंस है और ये उसका इन्वर्स है, a से b के बीच में इसका लिमिट्स है और इसका लिमिट f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में है। कह रहा है कि ये टर्म्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये डायरेक्टली हम b f ऑफ b माइनस a f ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से देखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसी का इन्वर्स है, ये जनरली दिखता नहीं है। ठीक है, तुमको बहुत ही ढंग से इस टर्म्स को देखना पड़ेगा कि कैसे इसका इन्वर्स यहाँ पर पुट किया हुआ है। सो कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका लिमिट ए से बी, और एफ इनवर्स एक्स और उसका लिमिट एफ ए से एफ बी है, तो उसका हम इंटीग्रल वैल्यू बी एफ बी माइनस ए एफ ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको तुम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स को अगर हम लोग एफ ऑफ टी पुट कर दें, एक्स को एफ ऑफ टी पुट कर लें, मान लो कि एक्स जगह इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर, ठीक है, एक्स को अगर हम लोग एफ ऑफ टी रख देते हैं, तो पक्का है कि dx जो है वो f डैश t dt हो गया होगा। ठीक है ना, और जब x की जगह पर f ऑफ a रखेंगे, ठीक है, इसमें x की जगह पर f ऑफ a तो t हो जाएगा a, और x की जगह पर f ऑफ b तो t हो गया होगा b। ठीक है ना, और ये टर्म्स f इनवर्स ऑफ f ऑफ t और dx की जगह पर f डैश ऑफ t dt ऐसे आ गया होगा, और f इनवर्स ऑफ ft ये जो इनवर्स का प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये t है, टी एफ डेस्ट ऑफ टी डी टी हो गया। ठीक है ना, ए से लेकर के बी तक। अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन टी हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ डेस्ट टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, और इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे, क्या लिमिट्स लगाएंगे ए से बी माइनस, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का तो वन ही हो गया, एफ डेस्ट टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी हो गया डी टी, और इसका लिमिट्स ए से लेकर के बी तक है। तो देखो, ft का लिमिट dt, ft dt का लिमिट्स ए से बी, और fx का लिमिट ए से बी के बीच में, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम है, तो सिर्फ बचा यही पार्ट, इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ठीक है ना, t की जगह पर b रखोगे तो बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये बी एफ बी माइनस ए एफ ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको जो डिफरेंट इंटीग्रेशंस का असाइनमेंट्स होगा उसमें तुमको मिलेगा। ठीक है, सो देखो इस पर एक दो एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं। अच्छा, एग्जांपल्स जैसे कि एक एग्जांपल्स हम लोग इसमें ले रहे हैं, सपोज करो कि हमें दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2, एक लिमिट है 0 से पाई बाई 2, और e की पावर साइन x, e की पावर साइन x dx प्लस, और फिर इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर के e, 1 से लेकर के e, और साइन इनवर्स ln ऑफ x, ln x r dx। ठीक है, अब कह रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमें ऐसे अगर दिया हुआ हो तो एक बार दो सम दिया हुआ है तो हम क्यों ना एक बार चेक कर लें क्या ये दूसरे का इनवर्स तो नहीं है, तो हम इसको इनवर्स देखते हैं। y बराबर e की पावर साइन x अगर हम देखेंगे तो इनवर्स करने के लिए x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, ये ln ऑफ y हो जाएगा sin x, और x बराबर हम क्या लिख देंगे sin इनवर्स ऑफ ln y, और फाइनली x और y को क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस फंक्शंस का जो इनवर्स हो गया, अगर ये फंक्शंस fx है तो इसका इनवर्स जो होगा वो इस फंक्शंस में y की जगह पर x रख देंगे, ये sin इनवर्स ऑफ ln x हो गया। तो तुम देखो कि ये फंक्शन fx है, उसका ये इनवर्स फंक्शंस हो गया। अब तुमको देखना है कि 0 पर sin 0 कितना हो जाएगा 0, तो e की पावर 0 1 f ऑफ a, f ऑफ a लिमिट्स आ गया, और sin x में x की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दो तो sin 1, ठीक है, sin पाई बाई 2 1 हो गया तो e हो गया। क्या इसी के साथ मैच किया a से b fx dx प्लस
एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी साइन इनवर्स मतलब इसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स डी एक्स पे हम डायरेक्ट इसका फंक्शंस का क्या लिख देंगे बी एफ बी मतलब पाई बाय टू ई की पावर साइन पाई बाय टू माइनस जीरो इंटू जो भी हो ई की पावर जीरो तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा ठीक है तो ये आ गया पाई बाय टू ई डायरेक्ट आंसर आ गया ठीक है ना इस तरह का क्वेश्चन हमें बहुत बार जेई एडवांस में पूछा भी है ठीक है और जेई एडवांस में अगर तुम देखोगे तो देखो एक एग्जांपल तुमको बता रहे हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये ठीक है मेरे सीट में भी है एक मिनट ठीक है ये क्वेश्चन देखो जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द सिग्नम वैल्यू ऑफ ठीक है ये क्वेश्चन को देखो कैसे चलाकी से पूछ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम सिग्नम ऑफ ए माइनस बी वेयर ए क्या है वेयर ए इज जीरो टू वन वन माइनस एक्स की पावर 2013 होल टू द पावर 1/2014 डी एक्स ठीक है एंड बी क्या दिया हुआ है बी इज जीरो टू वन वन माइनस x की पावर 2014 होल टू दी पावर 1/2013 ऐसे दिया हुआ है अब तुमको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि ये इनवर्स फंक्शंस के प्रॉपर्टी से आसानी से निकल सकता है ठीक है तो तुम सबसे पहले देखो ये फंक्शंस अगर fx है तो ये इसका इनवर्स है ये कैसे पता चलेगा तो ये सब तो बाय प्रैक्टिस ही पता चलता है ठीक है अगर इस फंक्शंस को हम y मान लेते हैं 1 x की पावर 2013 होल टू द पावर 1/2014 तो पहले इसको हटाने के लिए y का पावर 2014 करना होगा दैट इज 1 x की पावर 2013 फिर इसको इधर ले आओ तो x की पावर 2013 ठीक है 13 बराबर 1 y की पावर 2014 फिर x बराबर आ गया 1 y की पावर 2014 होल टू द पावर 1/2013 So, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है ठीक है इसका इनवर्स हमारा क्या हो गया इनवर्स फंक्शन ये हो गया इसमें y की जगह पर x रख देंगे तो 1 x की पावर 2014 होल टू दी पावर 1/2013 आ गया देखो सेम चीज आ गया ये फंक्शन एफ एक्स है तो वो इसका इनवर्स है ठीक है तो फिर तुमको याद रहा होगा कि यहाँ पर तो हमें a से b प्लस था यहाँ माइनस निकालना है तो एक्चुअल में अगर तुम देखोगे ना ठीक है ये तो इनवर्स बता दिए एक दूसरे का इनवर्स है बट इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे ना इसमें x की जगह पर अगर हम जीरो रखेंगे x की जगह पर जीरो तो अब हम देखो a प्लस बी अगर लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं तो ये जीरो से वन ठीक है 1 x की पावर 2013 होल टू द पावर 1/2014 प्लस में हो जाएगा जीरो से वन ठीक है जीरो से वन और ये 1 x की पावर 2014 होल टू द पावर 1/2013 dx लेकिन होना क्या था ये a प्लस बी है बट यहाँ पर अगर हम इनवर्स के टर्म्स में देखेंगे कि ये फंक्शन है एफ एक्स और ये a से b है और प्लस यहाँ पर f ऑफ a से f ऑफ b अगर देखेंगे और f इनवर्स ऑफ x है तो ये तो एक दूसरे का इनवर्स है बट लिमिट्स में देखो जीरो की जगह पर ये रखोगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए और 1 रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए इसका मतलब है कि इसको 1 और इसको अगर 0 करेंगे तब इसके साथ मैच कर रहा था यहाँ पर माइनस हो गया इसका मतलब ये a माइनस बी ही है ठीक है ठीक है अगर a माइनस बी करेंगे तो ये एक्चुअल में वही टर्म्स आ जाएगा तो अब ये फंक्शंस हमारा एफ एक्स और प्लस एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के टर्म्स में आ गया बताए इसको अगर हम प्लस करेंगे तो अब ये 0 से 1 के बीच में आएगा ठीक है एक्चुअल में ये माइनस है मतलब माइनस किए तो वो प्लस हो गया ठीक है तो अब इसका हम डायरेक्टली यूज कर देंगे तो फंक्शंस में क्या आ जाएगा तो b दैट इज 1 इनटू इसमें 1 पुट कर दोगे तो 0 फिर माइनस 0 पुट करोगे तो 0 आंसर विल बी 0 सो a माइनस b का वैल्यू 0 है तो सिग्नम वैल्यू कितना हो जाएगा 0 का 0 ठीक है खत्म इस तरह का क्वेश्चंस आता है बहुत आसान मिल गया ठीक है जैसे ही हमको ये देखे तो हमें ये चीज क्लिक करना चाहिए कि ये इनवर्स के प्रॉपर्टीज के हिसाब से आ जाएगा ठीक है ना तो इस तरह का क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत बार जेई के एडवांस वाले पेपर्स में रहता है तो इस तरह का भी प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है कि हम इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टी को यूज करें ठीक है चलो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं न्यूटन लैबनिज थ्योरम ठीक है एक्चुअल में ये चीज जो है
इसमें डिफरेंशिएशन का यूज किया है। एक्चुअली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बाय द वे ये जेई के सिलेबस में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स में तुम देखोगे ना तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम लोग लिमिट्स में भी बहुत बार किए हैं, लिमिट्स जब इंटीग्रेशंस के अंदर में लिखा हुआ था जिसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को यूज किए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको बता रहा है, ठीक है। तो ढंग से देखो इसमें क्या कर रहा है कि अगर कोई फंक्शन मान लो कि वाई एक्स के टर्म्स में है और इसका लिमिट हमको फाई ऑफ एक्स से साई ऑफ एक्स है, और यहाँ पर एफ ऑफ मान लो कि अल्फा और टी के टर्म्स में दिया हुआ है डी टी। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक अल्फा भी है और एक टी भी है, ठीक है, दो वेरिएबल है। अगर इस तरह का टर्म्स दिया हुआ हो डी टी तो करना तो इसको टी के टर्म्स में ही है क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल तो टी ही है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो अल्फा पर भी डिपेंड करता होगा पक्का, ठीक है। चूंकि अल्फा का वैल्यू वेरिएबल है तो अल्फा वन दोगे तो 120, 2t, 3t उस पर वो डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को, इसको अगर हम आई ऑफ अल्फा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये अल्फा पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इसमें डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, तो कह रहा है कि ये आई डेस्ट ऑफ अल्फा जो होगा ये हम लोग इसको फाई ऑफ एक्स से साई ऑफ एक्स के बीच में पार्शियल डेरिवेटिव करो एफ ऑफ अल्फा टी का विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसको इंटीग्रेट करो। देखो इस सिंबल का मतलब होता है ये जो डी लिखा हुआ है इसको डेल पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर दो वेरिएबल्स कहीं पर आता है उसमें से किसी एक को कांस्टेंट और एक के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका सिंबल बदल जाता है, इसको डेल पढ़ते हैं। डेल ऑफ दिस फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में किए तो वो नीचे लिखा रहेगा, अल्फा और टी दो वेरिएबल है, तुम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कीपिंग टी एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो डेल ऑफ दिस फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और डी टी जो था वो रहेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शंस में, अल्फा की जगह पर पहले अपर लिमिट को पुट करो, ठीक है, ये आ जाएगा साई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स टी भी रहेगा और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माइनस, फिर लोअर लिमिट अल्फा की जगह पर पुट करना है, ये ध्यान रखना अल्फा की जगह पर फाई ऑफ एक्स कॉमा टी और डेरिवेटिव ऑफ दिस लोअर लिमिट फाई डैश एक्स। ये है न्यूटन लैबनिस थ्योरम जो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करते हैं। एक्चुअल में क्या किए थे हम लोग कि अगर हमको कोई फंक्शंस दिया हुआ है वाई जो कि हमको एफ ऑफ टी डी टी लिखा रहता है और इसमें फाई ऑफ एक्स से लेकर के साई ऑफ एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स भी हम लोग कैलकुलेट करके बताए थे, इसको लिमिट्स में बहुत सारी जगह पर यूज करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ, इसमें क्या है ना कि ये टर्म्स नहीं है, अल्फा वाला टर्म्स नहीं है तो ये टर्म्स जो है वो जीरो हो गया, तो सिर्फ इतना ही बच रहा है, उसमें अल्फा भी नहीं है तो ये वाला पार्ट ही सिर्फ इसमें दिखता है। तो एफ ऑफ साई ऑफ एक्स डॉट साई डैश एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया ऊपर वाले डेरिवेटिव का, ऊपर का डेरिवेटिव जो अपर लिमिट है, माइनस फिर लोअर डेरिवेटिव एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। तो कहीं बाय द वे इसका मतलब दो वेरिएबल्स अगर नहीं है, मतलब यहाँ पर अल्फा का टर्म्स नहीं है, एक ही वेरिएबल है टी ही है, तो हम डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म्स नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डेल ऑफ अल्फा जो है वो तो अल्फा था ही नहीं, तो ये जीरो हो गया, ये टर्म्स खत्म हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म्स बच गया, ठीक है ना। तो ये भी न्यूटन लैबनिस का ही थ्योरम है, ये उसी का जिसमें टू वेरिएबल्स आ जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से बताया है। तो बहुत सारे केसेस में तुमको इसका भी यूज होगा, ऑल दो जेई के क्वेश्चंस में आज तक ऐसा अपीयर नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारे बुक्स में इस पर क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको तुम टैकल कर सकते हो। तो इस पर हम एक एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, ढंग से देख लो, इसको न्यूटन लैबनिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इस पर एक क्वेश्चंस तुमको बता रहे हैं जो बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं इसका, इसमें क्वेश्चंस है, देखो कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x dx, कह रहा है इसको प्रूव करो, प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन इज ln ऑफ 1 प्लस अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है।
अब देखो इसमें जैसे ही अल्फा आ गया, तुमको अभी बता रहे थे कि अल्फा पर डिपेंड कर जाता है, जैसे अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो ये माइनस वन अपॉन आ जाएगा, वन होगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, टू होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब अल्फा पर ये डिपेंड कर रहा है। इसमें दो वेरिएबल हो गया कि अल्फा हो गया और एक एक्स हो गया, तो इस इंटीग्रेशन को हम आई ऑफ अल्फा मान लेते हैं, मतलब ये इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसमें अल्फा भी वेरिएबल है, अल्फा के वैल्यू पर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो अल्फा वन पर ये एल एन ऑफ वन वन प्लस वन दैट इज टू, टू पर एल एन थ्री, थ्री पर एल एन फोर, इस तरह का वैल्यू हमको मिलेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी जो न्यूटन लैबनीज का थ्योरम बताए, फॉर्मूला बताए, उसको यूज कर रहे हैं, मतलब आई डेस्ट ऑफ अल्फा लिखे। आई डेस्ट अल्फा का मतलब जीरो से वन के बीच में इस फंक्शंस को अल्फा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अल्फा वेरिएबल है, ए कॉन्स्टेंट हो गया, तो अब तुम देखो कि ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो है ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है, तो वही यूज होगा। ये सब कॉन्स्टेंट हो गया, ये सब कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा इंटू एल एन एक्स होल डिवाइडेड बाय एल एन एक्स, वन का तो जीरो हो गया, इंटू डी एक्स, और रेस्ट जो पार्ट था ना सेकेंड पार्ट वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन का डेरिवेटिव भी जीरो और जीरो का भी डेरिवेटिव जीरो, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट तो है वो जीरो हो गया, ठीक है ना, उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। सो आई डेस्ट ऑफ अल्फा जो है ये अब एल एन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये टर्म्स अब इंटीग्रेबल हो गया, एक्स की पावर अल्फा जीरो से वन डी एक्स, ठीक है, अब एक्स इसमें वेरिएबल है, अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस वन, और इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से वन के बीच में। अब इसका वैल्यू आ गया वन बाई अल्फा प्लस वन कॉमन, एक्स की जगह पर वन पुट कर देंगे तो वन टू द पावर एनीथिंग इज वन, और जीरो पुट कर देंगे तो जीरो, सो ये वन बाय अल्फा प्लस वन है, मतलब आई डेस्ट ऑफ अल्फा ये है, ठीक है, लेकिन हमको तो आई ऑफ अल्फा निकालना था, तो हमें क्या करना होगा कि आई ऑफ अल्फा निकालने के लिए वन बाय अल्फा प्लस को भी इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा डी अल्फा, ठीक है, इसमें लिमिट्स तो है नहीं चूंकि हम तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा एल एन ऑफ वन प्लस अल्फा प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, चूंकि यहाँ पर ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, हम लोग आई डेस्ट से ये फंक्शन से फंक्शंस निकाल रहे थे आई ऑफ अल्फा, तो अब यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एल एन ऑफ वन प्लस अल्फा प्लस सी हो गया। अब है कि सी कैसे कैलकुलेट करे थे, तो अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू मान लो जीरो रख दिए, तो अल्फा की वैल्यू जीरो पर आई ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, चूंकि एक्स की पावर जीरो वन हो गया, वन माइनस वन जीरो, कम्प्लीट जीरो हो गया, तो आई ऑफ अल्फा का वैल्यू जीरो रखने से ये टर्म्स जीरो है, मतलब अल्फा अगर हम जीरो रख देंगे तो एल एन वन जीरो है, तो आई ऑफ जीरो भी जीरो हो गया, ठीक है ना, यहाँ से देखिए आई ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या रखें, सॉरी जीरो, तो आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो कितना हो गया ये एल एन वन दैट इज जीरो प्लस सी, और इसका वैल्यू जीरो है, तो जीरो बराबर जीरो प्लस सी, सो सी बराबर क्या हो गया जीरो, सो हमारा फाइनल आंसर जो है आई ऑफ अल्फा कितना आ गया एल एन ऑफ वन प्लस अल्फा, ठीक है, यही चीज कर रहा था प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारा बुक्स में है, ठीक है, तुम अगर देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चंस करने का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग न्यूटन्स लैबनीज थ्योरम का यूज करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलो ऑल्दो ये जेई में अभी तक पूछा तो नहीं है, बट हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तुमको मान लो कहीं पर आ गया क्वेश्चंस तो तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो हम जानते नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हम नहीं जानते हैं, बट ये प्रॉपर्टीज का यूज फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। अब हम लोग फिर से आ गए जो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बाय द वे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर पॉसिबल नहीं था तो उसको छोड़ देते थे, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव ढूंढना और कोई जरूरी नहीं कि हर फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव हमें मिल जाए, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, तुमको एक फंक्शंस है उसमें लिमिट्स दिया हुआ है, तो उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू तुम तो नहीं निकाल पाओ, लेकिन तुम उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब तुमको बता रहे हैं कि कैसे इसमें हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ठीक है, कैसे इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो बहुत सारा थ्योरी इसमें आता है जिसको हम लोग इसमें यूज करेंगे एज ए अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अगर हमें कोई फंक्शंस f ऑफ x है, ठीक है, इसमें एरिया का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये एरिया का ही तो एप्लीकेशन है, तो एफ एक्स का रहा है कि अगर कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, मतलब कोई x का इंटरवल है जो a से b के बीच में, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब फंक्शंस अगर x एक्सिस के ऊपर है कुछ भी और x बराबर a से लेकर के x बराबर b के बीच में, x बराबर b के बीच में,
ठीक है, तो ये एरिया भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब अगर हम इसको fx का इंटीग्रेशन लिखेंगे a से b के बीच में, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। ये हम पहला प्रॉपर्टी जिसमें यूज करेंगे, ठीक है। कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो a से b के बीच में उसका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सिमिलरली निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा। तो इसी में आ जाता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, अगर ऐसा दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, या ऐसे भी फंक्शन जो है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, तो ऐसा अगर दिया हुआ है ना, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा ए से बी के बीच में एफ एक्स, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जी एक्स का भी जो इंटीग्रल होगा ए से बी के बीच में सेम इनइक्वालिटीज होगा, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स आ गया, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि इसको इंटीग्रेट करो, कि साइन ऑफ एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेट करो, तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी को यूज करके कहीं निकाल सकते हैं। साइन ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू वन हो गया, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, फिर वन डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। बताएंगे इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना, हमें अप्रोक्सीमेट लेने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है जिसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम अगर तीन फंक्शंस भी दिया हुआ हो, बाय द वे दोनों साइड में फंक्शंस का लगा हुआ हो, कि कोई एफ एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स भी है और लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, तो कह रहे हैं कि इसमें भी अगर हम ये सैंडविच लगा दें कि जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ए से बी के बीच में वो उसी साइन का होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन भी ए से लेकर के बी के बीच में और दिस इज एच ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में, ये सेम साइन का होगा, जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा वही यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, सेम इनइक्वालिटी यूज करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सो एफ एक्स अगर हमको लग रहा हो कि दोनों साइड का हमको फंक्शंस मिल गया, तो दोनों साइड में हम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, एक साइड का मिल गया तो हम बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रल वैल्यू इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर इस सैंडविच भी नहीं मिला तब हम लोग क्या देखते हैं, तो देखो एक चीज तो हमेशा देख सकते हैं कि अगर फंक्शंस ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस हो तो फंक्शंस का हमेशा एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है। मतलब अगर हमको y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है x बिलोंग्स टू a टू b में सॉरी a से b के बीच में, अगर हमें ये कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस फंक्शंस अगर क्लोज इंटरवल में है तो उसका एक एब्सोल्यूट मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा ही, ठीक है। तो बाय द वे सपोज करो कि ये फंक्शंस इस तरह से कोई है, ठीक है, इस तरह का फंक्शंस है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है x बराबर a से लेकर के x बराबर b के बीच में। सपोज करो कि ये हमारा x बराबर b है, ठीक है, x बराबर a से लेकर के x बराबर b के बीच में हमको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, एफ एक्स इंटीग्रेबल ही नहीं है या कोई प्रॉपर्टीज हमको लग नहीं रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसमें देखो कि सबसे मिनिमम वैल्यू तो फंक्शंस का ये मिल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो मान लो कि मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है और मैक्सिमम वैल्यू भी इसका एक एब्सोल्यूट होगा ही, मान लो कि ये कैपिटल m है, ठीक है। ये चीज हमको ऑब्जर्व करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शंस का मैक्सिमम कैपिटल m है, मिनिमम स्मॉल m है, तो तुम देखो कि तुमको इस फंक्शंस का एक्चुअल में अगर a से b के बीच में इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो एरिया ही तो पूछ रहा है ना, एरिया अंडर कर्व्स ही तो पूछ रहा है, मतलब हम ये चीज निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये हमको निकालने के लिए पूछ रहा था, लेकिन हम ये निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे किसका मतलब कि ये जो एरिया है, जो लोअर पार्ट्स का एरिया है, तो ये एरिया ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो बी माइनस ए इंटू स्मॉल एम, और ये जो रेक्टेंगल है बड़ा वाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, तो इतना ही है, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट्स कितना होगा, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, m इंटू कैपिटल m इंटू बी माइनस ए, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू m टाइम्स b माइनस a से लेकर के कैपिटल m टाइम्स b माइनस a, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। इक्वालिटी लगा दिए कि अगर फंक्शन फ्लैट हो गया, ठीक है ना, सो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर नहीं पॉसिबल हो तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन में से है कि हम स्मॉल m और कैपिटल m निकाल लें, मतलब फंक्शंस का मिनिमा और मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लें और फिर उसका जो इंटीग्रेशंस का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इससे भी अगर हमको कभी ऐसा होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है, इसमें हम लोग कर्वेचर ले लिए, ऊपर नीचे हो रहा है फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होगा तो उसका मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट्स पर ही होता है, तो उसमें और भी क्लोज अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। ठीक है, उसमें देखो क्लोज अप्रोक्सीमेशन और क्या है, तो जैसे कि अगर हमको कोई फंक्शंस मान लो कि ऐसा मिल गया जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसा है, कनकेव अप होते हुए, ठीक है, कनकेव अप है ऐसा है, ठीक है, इस तरह का कनकेव अप भी हो सकता है, कनकेव डाउन भी हो सकता है, तो वो ग्राफ पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो कह रहा है कि ये x बराबर a है, ये x बराबर b है, तुमको ये वाला पार्ट ही तो निकालना था ना, जो नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो लेकिन ये सबसे मिनिमम वैल्यू तो यही है ना, नहीं, इसका वैल्यू ये होगा, तो ये मिनिमा जो वैल्यू है वो f ऑफ a इसका वैल्यू होगा, चूंकि x बराबर a पर है और x बराबर b पर ये मैक्सिमम होगा f ऑफ b। हम ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे भी बेटर अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत सारा एरिया को हम लोग एब्जॉर्व कर लिए, जो कह रहे हैं कि इससे बड़ा होगा, जैसे कि कोई फंक्शंस का एरिया मान लो कि 5 से छोटा है और हम बोल रहे हैं 10 से छोटा, आंसर तो सही है 10 से छोटा है, 5 से छोटा जो होगा तो वो थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, मान लो कि 4.88 आना था, हम 5 से लेस बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एरर थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम 10 से कम बोलते हैं, 20 से कम बोलते हैं, 100 से कम, तो एरर का डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया, तो हम और क्लोज टर्म्स बता रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि ये जो एरिया है इससे तो बड़ा ही होगा, मतलब ये फंक्शंस का ये जो एरिया है वो कितना हो गया b माइनस a इंटू f ऑफ a, और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो पार्ट है ना इसका एरिया लेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये एक बन गया तुमको जिसमें इस टोटल का एरिया हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है, बता इसका डिफरेंस और ये हाइट प्लस ये हाइट बाय टू, ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का जो एरिया मतलब ए से बी के बीच में डी एक्स होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाय टू इंटू बी माइनस ए से लेकर के ये जो होगा बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से हम अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं ना तो और भी थोड़ा क्लोज अप्रोक्सीमेशन हो गया, राइट, ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे इन केस ऑफ अगर हमको कोई इक्वेशंस आ रहा है जिसका हम इंटीग्रेशंस नहीं कर पा रहे हैं और हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, जनरली उसमें ऑप्शंस ही ऐसा दिया रहता है, ठीक है, तुमको ऑप्शंस में जब इनइक्वालिटी लगा हुआ हो तो तुम इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे, ठीक है, नेक्स्ट देखो, और भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कह रहा है कि अगर कोई फंक्शंस है मान लो कि वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो रहा हो ए से बी के बीच में, सपोज करो ऐसा हो रहा हो, ठीक है, तो कह रहा है कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन लोगे ए से बी के बीच में इसका जो मॉड होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अगर हम एफ ऑफ एक्स का पहले से मॉड लेकर के फिर इंटीग्रेट करें ए से बी के बीच, ऑब्वियस है, इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेट किए और फिर इसका मॉड लिए, और इसका मतलब है कि एफ एक्स का पहले मॉड ले लिए, मतलब फंक्शंस को हमने पॉजिटिव बना दिया और फिर उसको इंटीग्रेट किया, तो ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो गया, ए से बी के बीच में सब जगह पॉजिटिव, तो एडिशन जो होगा वो पॉजिटिव नंबर्स का हुआ, इसमें अल्जेब्रिक सम हुआ, मान लो कि कुछ पार्ट्स में निगेटिव वैल्यू आ गया, कुछ पार्ट में पॉजिटिव आ गया, मान लो कि 5 आ गया कुछ पार्ट्स में और माइनस 3 आ गया, तो इफेक्टिवली तो 2 ही आया ना, लेकिन इसमें जब मॉड ले लेंगे तो 5 भी एब्सोल्यूट आएगा और 3 तो 8 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो जनरली ये इक्वल टू साइन होगा, जब दोनों का साइन सेम ही है तब ये इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये भी हम लोग यूज करेंगे। एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं और भी, कि अगर हमें कोई इंटीग्रेशन है मान लो कि ये दिया हुआ है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है a से b के बीच में dx, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर dx a से b इंटू a से b g ऑफ x का स्क्वायर dx, ये भी हम लोग यूज करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर दिया हुआ हो बहुत सारी जगह पर ऐसा हमको वैल्यू आ जाता है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल्स हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल्स तुमको इसमें कंसीडर कर रहे हैं, क्वेश्चंस मिलेगा तब तो, चलो पहले क्वेश्चंस मिल गया,
ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ए से बी के बीच में, सॉरी जीरो से लेकर के वन के बीच में, जीरो से लेकर के वन के बीच में अंडर रूट हमको दिया हुआ है वन प्लस एक्स और फिर दिया हुआ है वन प्लस एक्स क्यूब इस तरह का डी एक्स। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 15 बाय 5 6 होगा। इसको कह रहा है कि इसको इसको प्रूफ करो, तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगा इसमें प्रूफ करना। दिस इज ऑलवेज लेस देन क्या करेंगे अंडर रूट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो गया वन प्लस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, जीरो से वन के बीच में डी एक्स इंटू जीरो से वन के बीच में इसका इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स क्यू। बहुत आसान हो गया ना, ठीक है, प्रूव कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, तो ये आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से वन इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर जीरो से वन, ठीक है। तो सेम चीज आ जाएगा अंडर रूट 15/6। तो ये सारा चीज अच्छा, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, ये बहुत ही आसानी से प्रूव भी हो जाता है कि जैसे कि अगर हमको इसको प्रूव करना हो कि कैसे ये आया, ठीक है, लॉजिकली भी, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और फिर इसको ओपन कर लेंगे। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ऑब्वियस है इसका जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा विद द लिमिट्स ए से बी, ठीक है, चूंकि स्क्वायर फंक्शन है। अब तुम इसको ओपन कर दो तो देखोगे कि जो एक्स एफ एक्स में है ये लैम्डा में जो है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे ये आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस टू लैम्डा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसका डी एक्स ऐसा आ गया। अब इसमें हमको ए से बी लिमिट लाना था तो क्या करेंगे एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स ए से बी लिमिट्स प्लस लैम्डा स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स ए से बी के बीच में लिमिट माइनस टू लैम्डा एफ एक्स इंटू जी एक्स इसका ए से बी के बीच में डी एक्स। अब देखो कि ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा जब उसकी उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या हो जाएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है, दैट इज फोर टाइम्स ए से बी के बीच में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू फोर टाइम फोर ए बी, तो ए इसका ये है और बी इसका ये है, तो फोर टाइम्स ए बी का मतलब ए से बी जी ऑफ एक्स या एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इंटू ए से बी जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये फोर फोर को हटा दो, इसका स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसमें स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही चीज हम लोग अभी देख लिए थे, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्स में तुमको बताए सारे प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, एक जगह तुमको बुक्स में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो और इस पर हम लोग अगले जो लेक्चर्स होगा उसमें तुमको क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। फिर और जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग रिडक्शंस फार्मूला किए थे, याद होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस में रिडक्शन फार्मूला फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी आएगा, उसी में गामा बीटा फंक्शंस भी आ जाता है, और तो गामा बीटा फंक्शंस नहीं है सिलेबस में, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा वो इस पर क्वेश्चंस होगा, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग रिडक्शंस फार्मूला करेंगे, तब तक तुम इसको समझो और इस पर कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके, बाय, सी।